मंदिर कैसे बनेगा। जोर से बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। रामलला हम आएंगे, रामलला हम आएंगे, रामलला हम आएंगे। आज आप कहीं भी जाइए, सब तरफ एक ही आवाज आ रही है कि हमें शर्म आ रही है कि हम अपने घरों में रह रहे हैं, हम अपने पक्के मकानों में रह रहे हैं, हम अपने सुख से रह रहे हैं, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, अच्छे से अच्छा मकान बना रहे हैं, अच्छे से अच्छे टाइल्स लगा रहे हैं, अच्छे से अच्छे सुविधाएं लेकर के उसमें जी रहे हैं। और हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम टेंट में है, और इसमें दोष किसी का नहीं है। दुश्मन तो दुश्मनी निभाते हैं, पर सच तो यह है कि हम अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। इसलिए जब भी देश में क्रांति आई है, जब भी कोई प्रेरणा सूत्र बना है, तो वो बने हैं सन्यासी। उन्होंने ही इस देश को दिशा दी है, और वही एक परम सत्ता है कि जब तक वो बागडोर नहीं संभालेंगे, जब तक वो प्रेरणा नहीं देंगे, तब तक ये समाज चलने के इच्छुक नहीं होता। आज हम ऐसे ही एक सन्यासी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में समक्ष बैठे हैं। आपको लग रहा होगा कि मुझे क्यों बुलाया गया। स्वामी विवेकानंद जी एक सन्यासी थे, इसलिए मुझे बुलाया गया है, ये भ्रम है। मैं एक सन्यासी हूं, मुझे इसलिए बुलाया गया, ये भी आपका भ्रम है। मैं राष्ट्रवादी हूं, इसलिए बुलाया गया, ये भी एक भ्रम है। मुझे क्यों बुलाया गया है, ये बहुत ही चतुराई का विषय है, सामाजिक समरसता का विषय स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में था, और उसका व्यवहारिक रूप। ये जो सामाजिक समरसता के इस विषय के आज के इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुलाया है कि अगर राष्ट्र की रक्षा करना है, अगर आपको अपने धर्म की रक्षा करना है, अगर आपको समाज की रक्षा करना है, समाज को जोड़ना है, तो एक ऐसे व्यक्ति को सामने लेकर के आइए जिसको विधर्मियों ने आतंकवादी कह दिया, जिसको विधर्मियों ने एक संकेत होता है, जो सन्यासी होते हैं भगवान वस्त्र धारण करते हैं, और वो जो सन्यासी होते हैं वो किसी भी लोभ मोह माया ममता मत्सर इस सब में ना पड़ करके जो सत्य है उसको बोलते हैं। इसलिए आपके समक्ष मुझे लाया गया है कि ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें देख लो और अपने काम में लग जाओ। मेरे बारे में शायद टीवी में आपने सुना होगा, मेरे बारे में बहुत सारे भ्रमकता जो है ना वो मीडिया ने भी परोसी थी 2008 से। विधर्मियों की सत्ता में षड्यंत्र करके एक राष्ट्रधर्मी को अंदर किया जाएगा, ये तो यथार्थ है, ये तो शाश्वत सत्य है कि विधर्मी अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से निभाते हैं। लेकिन जो कर्तव्यशील व्यक्ति है उसकी अगर स्थिरता हो गई, उसकी अगर नैराश्यता हो गई, तो ये मान लीजिए कि उसकी उदासीनता हमारे देश को जो घात पहुंचाएगा उससे बड़ा और कोई घात नहीं हो सकता। अगर षड्यंत्रकारी षड्यंत्र में सफल होगा, इसका अर्थ है कि सज्जन लोग अभी उदासीन बैठे हुए हैं, और सज्जनताओं की सज्जनता से और सज्जनताओं की उदासीनता से जब देश को किसी भी प्रकार का घात लगता है, तो वो हमारे देश को इतना आंतरिक घात पहुंचा जाता है कि उस समाज को उठने में, उस धर्म को पुनः स्थापित होने में वर्षों नहीं सदियों लग जाती है।
और ऐसी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो आपके समक्ष है, ऐसी कई साध्वी, कई सन्यासी, कई क्रांतिवीर, कई योद्धाओं को अपना बलिदान देना पड़ता है। उसके बाद ये समाज ये सोचता है कि क्या अब हमारा नंबर आने वाला है, तब वो जागरण करने का प्रयास करता है। इसलिए मुझे आपके समक्ष लाया गया है, इसलिए किसी भ्रम में ना रहे कि मैं बहुत अच्छी वक्ता हूं और मैं भगवाधारी हूं इसलिए आपके समक्ष लाया गया है, मैं बहुत बड़ी राष्ट्रभक्त हूं, बिल्कुल नहीं हूं। मैं तो अपने भारत माँ के लिए, मेरी भारत माँ है, इसलिए मैं अपनी माँ के लिए यदि कोई कर्तव्य करती हूँ, अपने धर्म का पालन करती हूँ, अपने कर्म का पालन करती हूँ, अपनी निष्ठा का पालन करती हूँ, हम उनके प्रति आस्था रखते हैं, प्रेम रखते हैं, समर्पण रखते हैं, तो इसमें किसी का कोई एहसान नहीं करते। मैं कोई एहसान नहीं करती हूँ अपनी भारत माता के ऊपर, जरा सा विचार करके, जरा सा कष्ट सह करके मैं कोई एहसान नहीं करती हूँ। इसलिए अगर आप भी करते हैं तो एहसान नहीं करेंगे और ना ही परोपकार करेंगे। आप यदि अपने भारत माँ का, अपनी माँ के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए यदि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं तो ईमानदारी से आप सच्ची संतान होने का, कर्तव्य का पालन करते हैं, आप उनकी संतान कहलाने का हक रखते हैं, आप उनकी संतान होने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, बस इतनी सी बात होती है। समक्ष बैठे हुए बुद्धिमत्ता प्राप्त किए हुए हमारे राष्ट्रभक्त लोग जो हमारे आज की भगवा यात्रा में उपस्थित हुए हैं, मातृशक्ति बहुत ही उत्साहित नजर आ रही है, बच्चे बहुत ही प्रफुल्लित हैं, भगवा धारण किए हुए हैं, वीर और वीरांगनाएं अपने विश में हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो विधर्मियों ने हम भगवा को आतंकवाद कहा है, उसको एक बहुत बड़ी चुनौती दी गई, और ये चुनौती किसी टेढ़े मेढ़े राज्य में नहीं दी गई, टेढ़े मेढ़े राज्य नगर में नहीं दी गई, एक सीधी में दी गई है, जिसको सीधा करने का कोई अर्थ नहीं, वो तो सीधी बात करते हैं, इसलिए आज हम सीधी में हैं। तो सीधी में आज मैं 3 दिन से यहाँ आई हुई हूँ, मैं 3 दिन में देखा कि वास्तव में जन जन के मन में ये बात है कि हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए, जन जन के मन में ये बात है कि हमें कैसे भी अपने देश को संभालना है, कैसे भी हमें ये कुरीतियां मिटाना है, देश का विभाजन ना हो, देश हमारा अखंड बने, समाज हमारा अखंड बने, समाज के अखंडता से हम राष्ट्र की अखंडता तक पहुंचे, ये हमारा प्रयास है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, ये कहने के लिए एक शब्द है, लेकिन वास्तव में जब हम इसके लिए जीते हैं, जब हम इसके लिए मरते हैं, तिल तिल कर जलते हैं, उस समय आभास होता है कि हम अपनी बड़ी बड़ी प्रसन्नता होती है। दुश्मन क्या जानेंगे इस बात को, विधर्मी क्या जानेंगे इस बात को, देशद्रोही क्या जानेंगे इस बात को कि अपने राष्ट्र के लिए जब हम तिल तिल कर जलते हैं, क्षण क्षण मरते हैं, और तुम कष्ट देते हो और हम हंसकर सहते हैं, उसका सुख क्या होता है। उन्हें लगता है कि हम इन्हें मार लेंगे, पीट लेंगे, ठोक देंगे, काट देंगे, चीड़ देंगे, ये मर जाएंगे, राष्ट्रभक्ति अपने मन से निकाल देंगे। और हमारे जो क्रांतिवीर हुए हैं, जिनके कारण हमें स्वतंत्रता मिली है, उन क्रांतिकारियों का भी उन्होंने यही हश्र किया है, उन क्रांतिकारियों को भी उन्होंने ऐसे ही दंड दिए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि क्रांतिकारियों को शरीर से ज्यादा माने नहीं रखता है, क्रांतिकारी शरीर को ज्यादा महत्व तो नहीं देते हैं, उनके हृदय में जो भारत माँ की राष्ट्रभक्ति होती है, उनके हृदय में जो माँ के लिए कर्तव्य का भाव होता है, उनके मन में जो भारत के लिए समर्पण का भाव होता है, वो तो उनकी धूल चरणों की धूल के बराबर भी नहीं होते। सन्यासी हमेशा दिशा दिया है, कभी सोचा है ये आरक्षण देने वालों ने, इन विधर्मी सत्ताधीशों ने जिन्होंने 65 वर्षों तक सत्ता की, कभी सोचा है कि जिस समाज को हम
बराबरी पर लाना चाहते हैं, जिस समाज की हम आर्थिक उत्थान चाहते हैं उस समाज को उन्होंने भिखारी बना दिया। आरक्षण हर व्यक्ति चाहता है, जबकि आरक्षण एक भीख है। हम यदि योग्य हैं तो हम उस स्थान को पाएंगे, और आपको अगर आर्थिक पक्ष से मजबूती लाना है तो आप हमारे जो दलित हैं, वह कोई भी वर्ग के व्यक्ति हो सकते हैं, किसी भी जाति के व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन सब हिंदू हैं, और अगर उनके मन में जरा भी राष्ट्र के उत्थान की बात होती तो इस तरह से वो आरक्षण ना देते। समाज के उस वर्ग को जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उस वर्ग को, उस क्रम को ऊपर उठाते और बराबरी पर लाकर उनका स्वाभिमान बढ़ाते। सबका आरक्षण कर दिया उन्होंने, अंत में महिला बची, तो बहुत समय से बिल आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लेकिन स्थिर नहीं हो रहा है, और वो है महिलाओं के लिए आरक्षण। मैं उसका विरोध करती और उसका कारण है कि महिलाएं किसी आरक्षण की मोहताज नहीं है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं और वो अपनी योग्यता से बढ़ती हैं। जो अयोग्य क्रम है, जो अयोग्यता रखते हैं, वो अपनी क्षमता को पहचाने और अपने स्थान पर निश्चित रहें। लेकिन आरक्षण से यदि किसी को बढ़ाया जाता है तो उस व्यक्ति को कभी स्वाभिमान से खड़े होने देना नहीं चाहते ये लोग, ये सत्ताधारी जो 65 वर्षों तक जिन्होंने शासन किया, उन्होंने हमारे देश के एक एक भाग को काटने का प्रयास किया। माँ को बेटे से अलग कर दो, पिता को पुत्री से अलग कर दो, हिंदुओं में कितने विभाजन हो सकते हैं, उनको उतने विभाजन कर दो, तभी वो सत्ता पर रह सकते हैं। वोट की राजनीति के कारण इतने दुष्चक्र चले, और अंत में अगर जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने महिलाओं के आरक्षण की बात की और बिल आज तक पास नहीं किया। उसका कारण है कि महिला उनके पक्ष में वोट दे, क्योंकि वो उस तरह की बात करते हैं। ऐसे कांग्रेसियों के सत्ता में कभी भी देश का उत्थान निश्चित नहीं था। सनातन धर्म एकता की बात करता है। सनातन धर्म बुद्धि, ज्ञान और कर्तव्य के अनुसार उन्हें सेवाओं का अवसर देता है। क्षत्रियों को दिया था कि क्षत्रिय देश की रक्षा का भार संभालेंगे। क्षत्रियों ने देश की रक्षा का भार संभालते 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 संभालते, आपने देखा होगा कितने भी बड़े युद्ध हुए, राजाओं ने अपनी पीढ़ियों को खो दिया, युवा लोग उसमें समर्पित हो गए, स्त्रियां विधवा हो गई, बहनों के भाई चले गए, पत्नियों के पति चले गए, माओं के पुत्र चले गए, और क्षत्रिय वर्ग कभी हतोत्साहित नहीं हुआ। युद्ध के लिए हमेशा गर्दन कटाने के लिए और गर्दन काटने के लिए तत्पर था। बणिक वर्ग जिसके अंदर गुणा भाग होता है वह बणिक वर्ग है, ये उसकी स्वतः होता है, किसी का इंटरेस्ट होता है कि हम गुणा भाग करेंगे, हम इसका हिसाब उसका हिसाब करेंगे। तो जो गुणा भाग करने की बात है, लाभ हानि की बात है, वो बड़ी वर्ग है, व्यवसायी वर्ग है, इसमें कोई भेद नहीं। जो ब्राह्मण कर्म करता है, ब्रह्म कर्म करता है, पूजा पाठ करवाता है, वह ब्राह्मण हो गया। जो सेवा के भाव रखता है, इस सब में कहीं योग्यता नहीं है, जो सेवा का भाव रखता है वो चतुर्थ वर्ग हो गया, शूद्र वर्ग हो गया। ब्राह्मण को ब्राह्मण कह दो बुरा नहीं लगेगा, बनिया को बनिया कह दो बुरा नहीं लगेगा, ठाकुर को ठाकुर कह दो, हमारे पीछे भी ठाकुर लगा दिया गया है, उसको बुरा नहीं लगेगा, पर शूद्र को शूद्र कह दो तो बुरा क्यों लगेगा। इसका अर्थ है कि विधर्मियों ने जो सत्ता की है उसकी परिभाषा बदल दी। मैंने देखा, मैं छोटी थी, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था, कि जब किसी लड़की का विवाह होता है तो जब तक नाइन और धोबी और मेहतरानी, जब तक ये तीनों वर्ग आकर के, तीनों लोग आकर के उनकी स्त्रियां मांग नहीं भर देती थी उस लड़की की, तब तक वो सुहागन नहीं मानी जाती थी। इतना अंदर तक हमारे संस्कारों से बंधे हुए लोग
जिनका ये सत्ताधीश खून करने के लिए राजी, जिनका ये सत्ताधीश अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, इनके मन में वैमनस्यता भर रहे हैं, देश के प्रति भेदभाव पैदा कर दिया और भीम सेना बना। ये क्या है भीम सेना, आज तक पता नहीं चला। देश के विरुद्ध जो बोलेगा वो भीम सेना हो गई, देश के विरुद्ध जो बोलेगा वह कांग्रेसी क्यों है, देश के विरुद्ध जो बोलेगा आज की स्थिति में वही सत्ता में होने वाला व्यक्ति है। कभी जनेऊधारी कर लेना उसका कर्म बन जाता है, कभी चर्च में चला जाता है, कभी कहां चला जाता है, कब वो किसका है पता ही नहीं। ऐसे एक निकम्मे व्यक्ति को एक सत्ता में इतना महत्वपूर्ण स्थान दे दिया कि देश के कल्याण की बात तो करना दूर है, उस व्यक्ति को इतनी भी सभ्यता नहीं है कि वो संसद में बैठ करके उन मर्यादाओं का पालन करे जो इस देश के निर्माण, इस देश का संचालन और इस देश के नीति और नीतियों का निर्धारण करने के लिए संसद बनाई गई है। उसमें वह इतनी निम्न हरकत करता है कि लज्जा आती है कि ये भारत की संसद में इस प्रकार के व्यक्ति को स्थान प्राप्त हुआ। प्रबुद्ध जन बैठे हुए इसलिए मुझे ये बात कहने पर कहनी पड़ रही है। देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने के लिए एक ही दल काफी था जो कभी राष्ट्रभक्त नहीं बन पाया, और वह विधर्मियों का दल जो भी उसमें जाता है अगर वो हिंदुत्व की भावना रखता है तो सत्ता के लोभ में, किसी न किसी पद के लोभ में वो वहां जाकर के और अपने विचारों को खो देता है, हिंदुत्व की बात को खत्म कर देता है। देश का जो आध्यात्म है वही एक बल ऐसा है जो हमारे देश को टिका करके खड़ा है। ये विधर्मियों को मालूम है, विश्व में ख्यात है कि भारत विश्वगुरु रहा है, और किस दम पर रहा है, धन के दम पर नहीं। धन तो आनी और जानी माया है, भारत हमारा आत्मबल से खड़ा है, भारत हमारा आध्यात्मिक बल से सदैव खड़ा था और खड़ा रहेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इसमें अपनी एक बात कही, उन्होंने कहा भारत की जो वर्तमान स्थिति है, परतंत्र काल में उनका जन्म हुआ और उन्होंने हर वो परिस्थिति देखी जो देश को विघटन के लिए पर्याप्त थी। देश के कल्याण की बात विचार करना एक हंसी मजाक माना जाता था, इसलिए उन्होंने कहा निश्चिंत रहिए, आप अपने कर्तव्य में लगे रहिए, लेकिन भारत पुनः खड़ा होगा अपनी आध्यात्मिक बल के आधार पर। और यही आध्यात्मिक बल होता है कि हेमंत करकरे जैसा व्यक्ति जब राष्ट्रभक्ति को कुचलता है तो आतंकवाद से मरता है। सुना होगा आपने हेमंत करकरे के बारे में, बहुत बड़ा पुलिस का ऑफिसर, देशभक्ति करने वालों को अंदर डालता है और उसके बाद, ये मैं बहुत छोटी थी तब मेरा स्लोगन था कि देशभक्ति को कुचलोगे, देशभक्ति का दमन करोगे तो आतंकवाद से मरोगे। और जब मुझे अंदर 2008 में अंदर डाला, सवा महीने में हेमंत करकरे को पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी कसाब ने गोलियां मारी, आतंकवाद से मरा। सन्यासियों के पास तपस्या का बल होता है, सन्यासियों के पास उनके वचनों का बल होता है, सन्यासियों को तलवार उठाने की, बंदूक चलाने की या बॉम्ब विस्फोट करने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आध्यात्मिक बल के आधार पर देश के लिए काम करते रहते हैं। भटके हुए हैं वो लोग जो समझते हैं कि हम सन्यासियों को अंदर डाल देंगे तो भारत की जो आत्मिक शक्ति है वह समाप्त हो जाएगी, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं है कि सन्यासी को अगर तुम अंदर करोगे तो तुम अपना धरातल खोदोगे, और भगवा को अगर आतंकवाद कह दिया तुमने तो तुम्हें पता नहीं ये भगवा क्या है। सूर्य का जब उदय होता है तो जब उदित समय के सूर्य का जो रंग होता है वह भगवा होता है। अगर ये सूर्य तुम्हारी शरीर से इस तेज को खींच लेगा तो तू निस्तेज हो जाएगा, मृत शरीर हो जाएगा, इसलिए भगवा से टकराने का प्रयास ना करे और भगवा को सुरक्षित करने का प्रयास करे, उस
जिसको संबल दे, उनको सुरक्षित करें, उनकी किरणों का आह्वान करें, अपने शरीर में तेज और ओज प्राप्त करें और उसके बाद इस भगवा को लहराइए, जिससे कि हमारी संतानें तेजस्वी बने। इस भगवा के प्रताप को जब आप अपने घरों में लेकर के जाएंगे, ये भगवा कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। इस भगवा ने अपनी संस्कृति को संभाला है, अब इस भगवा ने अपने देश को संभाला है, इस भगवा ने हमेशा और हमेशा अपने देश को दिशा दी है, इसलिए भगवा कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है। और जिन को भगवा आतंकवाद, भगवा में आतंकवाद दिखता है, वो इस देश के कभी संतान नहीं हो सकते, वो इस देश की कभी कर्णधार नहीं हो सकते, वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ देशद्रोही हो सकते हैं। हमारे चैनल का लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।